Hi friends, welcome back, and this is Santosh sir. And again, like I'm back with the most awaited video, MCO 05, and it is on accounting for managerial decisions. And in this video, we'll be doing both theory and numericals. We will also solve June 2022 numericals. And please watch the video till the end, because at the end of the video we'll be solving all the numericals. As you can see here, these are all the contents, and there are I think, yes, 20 chapters, and the last chapter is I have added here TE June numerical. So you got 4 numerical in the previous exam, and you may also hope that you get more numericals this time too. So MCO 05 पे मेरे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जरूर से थ्योरी क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए दिसंबर के लिए. तो आपको टारगेट करना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, यू शुड नो लाइक व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, देन हु आर द इंटरेस्टेड पार्टीज इन अकाउंटिंग, लाइक ओनर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, तो इनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी हम लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं. वी कैन राइट अबाउट दिस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट मच डिफरेंस, एक ही चीज़ है. एंड इसके मेन फंक्शंस ये आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था जून में, तो यहाँ से आपको मिल सकता है. एंड लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके फंक्शंस. नाउ ये क्वेश्चन आया था जून में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. एंड हालांकि एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, यू शुड नो अबाउट दिस, लाइक द डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो इन सबको मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ, लाइक दिस वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. दीज आर जनरली द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड द मेन object of these standards is to provide uniformity in financial reporting and ensure consistency and comparability all over the world. And iske main objectives ye bhi aapko dhyan rakhne hain, short notes mein aa sakta hai aapke liye, to accounting standards ko aapko miss nahi karna hai. Then why these accounting standards are important for a business enterprise, this question also you must get through, right? लेट्स मूव ऑन टू यूनिट टू, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, और यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है. एंड जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट बेसिस हैं, जैसे फंक्शंस, आइडेंटिटी, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग. एंड अगेन लाइक ऑल दिस बेसिस, तो इनके बेसिस के ऊपर भी अगेन वापस क्लासिफिकेशन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. तो लाइक दिस हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को आपको पढ़ना चाहिए, एंड स्पेशली दिस वन, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है एक्चुअली पहले भी, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. राइट, आगे चलते हैं. एंड या दिस क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन जून में आया था. एंड इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही रेयर क्वेश्चन था. जून का पेपर एक्चुअली काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, एंड लेट्स होप कि ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ देने के बाद काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे. कॉस्ट शीट की बात करें तो कॉस्ट शीट का आपको इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, इजी है. ओके, यूनिट 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर.
यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलवेज एवरी ईयर एग्जाम्स में आता है, जैसे कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, लाइक यू नो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं है आप लोगों के लिए, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट, राइट। एंड द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट आई हैव एडेड हियर फॉर डिसम्बर एग्जाम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस क्वेश्चन एंड दिस वन ऑल्सो यू माइट गेट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस, ऑन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आगे चलते हैं, यूनिट 4, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना चाहिए व्हाट इज अ रिजर्व, इसका डेफिनेशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स लाइक रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। दिस इज द डिफरेंस आई हैव रिटन हियर फॉर प्रोविजन एंड रिजर्व। तो ये क्वेश्चन भी आपको डिस्टिंक्शन में मिल सकता है एंड मे बी फॉर द 10 मार्क्स। ओके गाइज, दिस इज यूनिट 5 एंड दिस इज ऑन टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एंड फ्रॉम दिस यूनिट यू शुड रीड अबाउट वॉट इज रेशियो एनालिसिस, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। जनरली अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंटिंग में आता है, दैट मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से। एंड मैंने यहाँ पे एक्चुअली इस चैप्टर से सारे इम्पॉर्टेंट इसके फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं आगे, तो वो फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है, राइट। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, लाइक यू नो फॉर करेंट रेशियो, देन क्विक रेशियो, देन हाउ यू विल फाइंड क्विक एसेट, देन डेट इक्विटी रेशियो, देन वी हैव लॉन्ग टर्म डेट हो गया, देन डेट रेशियो, देन मैंने एक्चुअली रेशियो एनालिसिस के जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइक यू नो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, सो दैट बच्चे यू नो आसानी इसको लर्न कर लें। जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड अगेन लाइक स्टॉक टर्नओवर रेशियो में जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो अगेन लाइक कॉस्ट ऑफ गुड हाउ यू विल कैलकुलेट दैट, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में स्ट्राइक किया था, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। यूनिट 6 के तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसी के ऊपर है ये यूनिट। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का दोनों का डिफरेंस लाइक मीनिंग, इनके एडवांटेजेस, इनके लिमिटेशंस, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों का डिफरेंस, तो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर से आपको बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए। एंड यूनिट 7 इज ऑन कैश फ्लो एनालिसिस, एंड यहाँ पे आपको जरूर से, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलता है तो यू विल गेट थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, हमेशा आता है, तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड यू नो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो जो स्टूडेंट्स भूल चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्लास 12 में कभी किए थे, तो उनके लिए है ये फॉर्मेट से याद आ जाएगा। सबसे पहले आपको लेनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रपोज डिविडेंड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंड अगर प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको आपको लेस करना है। सो यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें अगेन आपको ऐड करना है देयर इज एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी
एंड डिक्रीज इन एसिड्स, और लेस करनी है इसके जस्ट अपोजिट आइटम्स. सो यू विल गेट अगेन, यहाँ पे फिर वापस आपको लेस करना है इनकम टैक्स. सो यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड अगेन लाइक यू विल बी एडिंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो इसको एड लेस करने के बाद में यू गेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. देन अगेन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दे देगा. रेजिंग ऑफ बैंक लोन्स दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है. लेस करना है कोई भी तरीके का रिडेम्पशन है डिवेंचर्स का, देन डिविडेंड पेड और डिविडेंड टैक्स पेड, देन पेमेंट ऑफ लोन्स, ये सारी चीज़ें आपको लेस करनी है. तो व्हाट यू गेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नाउ ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को आपको करना है ऐड. यू विल ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यू विल सी दैट यू गेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड. मतलब जो कैश बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस, उसके साथ में ये मैच कर जाएगा. सो दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. यूनिट 8, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन बजटिंग. बजटिंग पे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपको जरूर से करना चाहिए कि वॉट इज बजटिंग, वॉट इज बजटरी कंट्रोल. नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी हॉट क्वेश्चन. एंड वॉट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग, वाई कंपनी प्रिपेयर्स बजट, देन वॉट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग. ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, एंड एक बार इसको समझ जाने के बाद में यू कैन राइट मोर ऑन दिस, यू कैन एक्सप्लेन. सो दैट इज माई मेन एम. देन वॉट आर द एडवांटेजेस एंड इवन लाइक एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग. तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन. देन लाइक एसेंशियल्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बजटिंग सिस्टम इन द कंपनी. एक अच्छा बजटिंग सिस्टम बनाने के लिए कंपनी में लाइक व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स और यू नो द डिफरेंट थिंग्स रिक्वायर्ड. दैट इज यू नो फर्स्ट वन इज बजट सेंटर बनाना है, सेकंड वन बजट कमेटी, देन बजट ऑफिसर शुड बी देयर टू लुक आफ्टर दिस, बजट मैनुअल शुड बी पब्लिश्ड, देन देयर इज अ बजट पीरियड इन विच इट इज प्रिपेयर्ड, देन बजट की फैक्टर आर देयर, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ बजट. सो दिज आर ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपरेशन जरूर करना है. एंड वी कैन डिफाइन, वी कैन क्लासीफाई द बजट्स ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. वी कैन डिफाइन इट, वी कैन क्लासीफाई इन टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करेंट बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी कैन डिवाइड द बजट इन टू सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट. एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन, कुछ एक सेंटेंसेस मैंने इन सब के बारे में लिखे हुए हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट. तो ये आपको जरूर प्रिपरेशन करनी है. परचेज बजट, रिसर्च बजट, देन फिनेंशियल बजट, कैश बजट एंड मास्टर बजट. तो एज मैनी देयर आर यू नो 8 टाइप्स ऑफ बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. द बजट कैन बी फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड फिक्स्ड बजटिंग एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग. तो ये डिफरेंस में भी आ सकता है आपको एंड इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट. द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 9, प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स. यहाँ पे आपको यू नो कैश बजट से आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मस्ट यू ऑल्सो मस्ट प्रिपेयर द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाट इज अ कैश बजट एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैश बजट. बेसिकली वी हैव 3 मेथड्स, लाइक यू नो रिसीट मेथड, रिसीट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज अ बैलेंस शीट मेथड. सो कैश बजट को ये 3 तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. इस यूनिट में इतना ही था, छोटा सा यूनिट था.
देन द डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जून में नहीं है, मतलब आपको दिसंबर में मिल सकता है एग्जाम। JBB, जीरो बेस्ड बजटिंग, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो इसके ऊपर बनाया भी था, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, देख सकते हो। MCO 5 के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो एक बार ये वीडियोस आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक आपको एग्जाम में कोई परेशानी होगी इससे। एंड द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ JBB एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ JBB, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन परफॉर्मेंस बजटिंग, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आता है एग्जाम्स में कभी कभी, तो इसको भी इजी है परफॉर्मेंस बजटिंग, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। देन दीज आर ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, एंड वी हैव सम बजटरी रेशियोज ऑल्सो, दैट इज एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। न्यूमेरिकल अभी इग्नू का बोल नहीं सकते, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक्स में, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट 11, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर जून में क्वेश्चन आया हुआ है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इसके लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यू नो यू शुड एक बार मतलब पढ़ने में लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग का डिफरेंस, सो इसको भी आपको जरूर से देखना है। एंड दीज आर ऑल द रिक्विजाइट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सक्सेस करने में लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कैन कंसिडर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज ऑन वेरियंस एनालिसिस। यहाँ से तो यू नो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनता है वेरियंस से, एंड इस यूनिट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन। ये कुछ 8 कॉन्सेप्ट हैं जिसके आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं। द फर्स्ट वन इज मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मेटेरियल प्राइस वेरियंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मेटेरियल यूजेस वेरियंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मेटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरियंस। सो लाइक दिस, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। आगे लेटर पार्ट इन दिस वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी नया कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एंड इग्नू जनरली टारगेट्स दिस क्वेश्चन। सो यू कैनॉट अफोर्ड टू स्किप दिस क्वेश्चन, यू शुड रीड अबाउट दिस। वॉट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, वॉट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द एसेंशियल्स फॉर द सक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में जरूर से करने चाहिए, राइट। यूनिट 15 इज ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये तो जून में मतलब यू नो भरपूर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था यहाँ से, एंड एज यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है June 22, दैट मीन्स ये सारे जून में एग्जाम्स में आए हुए हैं। एंड यहाँ पर भी मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको भी न्यूमेरिकल और फॉर्मूलाज, तो ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मेरे स्टडी मटेरियल्स में, राइट। आगे चलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर भी न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो मस्ट है, हर साल रिपीट होता है एग्जाम्स में, एंड इसकी थ्योरी भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। यू शुड रीड अबाउट व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट का यू नो इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हम लोग, ये मैंने एक्चुअली प्रीवियस वीडियोस भी हैं इसके ऊपर मेरे, इंडिविजुअल वीडियोस हैं, तो ज़रूर से वॉच कीजिए, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए।
ये मैंने नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे, लाइक कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन बीईपी इन यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बीईपी इन वैल्यू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो, एंड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स एंड सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको बिल्कुल भी एकदम यू नो लर्न बाय हार्ट। देन द नेक्स्ट यूनिट इज रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड यहाँ पे आपको करना चाहिए व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्टिंग, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, एंड छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसके अंदर दमखम नहीं है। एंड इन यूनिट 18 वी हैव रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस टारगेट करने हैं लाइक व्हाट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर यूज्ड बाय द अकाउंटेंट्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स लाइक यू नो यूजर्स रिपोर्ट, देन रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट बेस्ड ऑन नेचर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, सो लाइक दिस। सो then we have the different modes of reporting, how the reporting is made like in written form, graphical, oral form, so like this. these are the essentials of a good report, like it must be accurate, it must be simple to understand, it must be reliable, it must be inexpensive, it should be prepared within the time frame, and it should be complete in all respect, so like this, right. आगे चलते हैं, एंड यूनिट 19 रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अकाउंटिंग जो अभी नए नए अकाउंटिंग वर्ल्ड में राइज कर रहे हैं तो उसके बारे में है, एंड यहाँ पे आपको करना चाहिए व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, बेसिकली आपको शॉर्ट नोट्स में मिलने वाला है यहाँ से। और एक टाइप की अकाउंटिंग है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, that is also very important question, okay. then advantages of human resource accounting, बहुत important question है, बिल्कुल आपको skip नहीं करना है. the next type of accounting is social accounting, इसके ऊपर भी question आता है, आ सकता है, बहुत important है, तो short notes में आपको दे सकता है social accounting के बारे में. then the next type of accounting is environmental accounting, ये भी नया concept है, आपको जरूर से करना चाहिए, इग्नू इसको टारगेट करता भी है, एंड यू नो मेनी टाइम्स इट हैज अपीयर्ड इन द एग्जाम्स आल्सो। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजिक, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस लाइक इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाया हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट पे, तो ज़रूर से आपको देखने हैं। एंड ये एक डिफरेंस है यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये भी एक्चुअली प्रीवियस एग्जाम्स में 2-3 साल पहले आया हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल नहीं स्किप करना है। सो गिने चुने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में हम लोग आ गए न्यूमेरिकल्स में, एंड जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दैट दिस इज लाइक ये जो न्यूमेरिकल है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ए कंपनी इज प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट एंड सेल्स इट एट ₹20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ₹12 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है ₹80,000, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट पीवी रेशियो एंड सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता है, जून में भी आया था, तो इसको आपको वर्कआउट करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिया हुआ है ₹20 एंड वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है ₹12, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है यू गेट कंट्रीब्यूशन, राइट ₹8,
और ब्रेक इवन पॉइंट, आपको ब्रेक इवन पॉइंट मतलब दो तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, पहले यूनिट्स में और उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। व्हेन यू विल कैलकुलेट इन यूनिट्स, आपको ये फॉर्मूला कंसिडर करना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन को निकाला एंड फिक्स्ड कॉस्ट यानी 80,000 से उसको डिवाइड कर देंगे, यू गेट यू नो 10,000 यूनिट्स। नाउ अगेन टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नाउ पीवी रेशियो को आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स। तो टोटल कंट्रीब्यूशन लाइक पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 8 रुपीज, एंड यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो निकला हुआ है 10,000, इसके साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का एंड टोटल सेल्स दैट इज सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, तो यू विल गेट 0.4 एज पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो के साथ में जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड दैट इज 2 लैक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न ₹60,000 प्रॉफिट। ना ये सब फॉर्मूलाज मैं अभी अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, एंड ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, बिकॉज इफ यू डोंट लर्न फॉर्मूलाज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एंड इसके लिए जैसे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 80,000, एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 60,000 इज रिक्वायर्ड एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 8, सो यू गेट सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड। देन सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू अर्न 60,000 प्रॉफिट्स इन वैल्यू, दिस वॉज इन यूनिट्स एंड दिस इज इन वैल्यू। तो वेन एवर क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको डिवाइड करना है पी वी रेशियो से, राइट? तो बहुत सिंपल है एंड वेरी मार्क फेचिंग, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेरियंस एनालिसिस। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया था आपको, कि जैसे यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम फॉर द मंथ इज गिवन 4,000 आवर्स, स्टैंडर्ड वेज रेट इज गिवन पर आर, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड इज गिवन, एवरेज वर्किंग डेज इन अ मंथ इज गिवन, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या है, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस एंड आइडल टाइम वेरियंस। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है, लाइक यू नो एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, कितने दिन के लिए वो लोग काम किए, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज दे वर्क एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दिस यू गेट एक्चुअल टाइम। नाउ एक्चुअल वेज रेट, एक्चुअल वेज रेट के लिए टोटल जो वेज पेमेंट कर रहा है कंपनी दैट इज 13,125, तो इसके साथ में हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल टाइम को, तो यू गेट ₹2.25 एज एक्चुअल वेज रेट। नाउ इन सबको आपको फॉर्मूलाज में यूज करना है। टू फाइंड लेबर कॉस्ट वेरियंस द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम इन टू स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम इन टू एक्चुअल रेट। सो यू जस्ट गोना मल्टीप्लाई दिस एंड सब्ट्रैक्ट, एंड ब्रैकेट में यहाँ पे आपको ए या एफ लिखना है। ए मीन्स एडवर्स, दैट मीन्स यहाँ पे जैसे 9,000 माइनस 13,125, तो आपको यहाँ पे माइनस करने से माइनस में फिगर मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर माइनस में फिगर मिलेगा तो दैट मीन्स एडवर्स, दैट इज अनफेवरेबल, और अगर यू नो पॉजिटिव फिगर मिलती है तो दैट इज फेवरेबल। एफ लिखना है। लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट लेबर रेट वेरियंस, तो इसका भी फॉर्मूला है, जस्ट यू नीड टू यू नो पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज एंड गेट द आंसर। बहुत सिंपल है। ओके, आगे चलते हैं। ये रेशियो एनालिसिस से है, एंड इस क्वेश्चन को ही मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो कुछ नए न्यूमेरिकल देखते हैं जो T June 2022। तो यहाँ पे एज मैनी एज यू नो 4 न्यूमेरिकल आए थे, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे रेड इंक में लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे यू नो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, 80,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ ईच,
इक्विटी शेयर्स हैं, अगेन इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 10 रुपीज़ ईच एंड अगेन इक्विटी शेयर है, तो ये उसकी ओनर्स कैपिटल हो गया। एंड डायरेक्टर्स प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर्स एंड कुछ इसके ऊपर फिर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड 1,75,000। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में भी ट्रांसफर किया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये भी क्रिएट किया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 12,50,000। एंड आपको क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पार्टनरशिप में बनाते हैं एज वी नो दैट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बनाती है कंपनी। एंड यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोवाइड करना है 50% एंड कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स आपको प्रोवाइड करना है 12.5%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड दिस इज द सॉल्यूशन। एज यू कैन सी एक सिंपल लेजर अकाउंट है एंड आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल प्रॉफिट हुआ था कंपनी का 12,50,000 एंड वहाँ से आपको 50% इनकम टैक्स माइनस करना है, दैट मीन्स हाफ द अमाउंट, तो यू गेट दिस वन 6,25,000। एंड अगेन लाइक दिस 31,250 ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बिकॉज यू नो व्हेन वी सी दिस एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एज पर द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 205। आपको याद रखना है कि इस सेक्शन में जनरली कंपनी ट्रांसफर्स 5% ऑफ इट्स प्रॉफिट, ठीक है, तो इसकी 5% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो गई, राइट 31,250। नाउ ये सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, लाइक यू नो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,00,000, देन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एंड प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड ये दोनों के रेट दिए हुए हैं, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लाइक बैक क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पे एज यू कैन सी हियर दैट ये यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो जितना भी इक्विटी शेयर्स है उसका 15% आपको लेना है एज डिविडेंड, तो ये सारे अमाउंट आपको मिल जाएंगे। एंड अगेन लाइक आफ्टर दिस आपको चार्ज करना है 12.5% कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, राइट, एंड कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स के लिए किसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 72,000 एंड 1,29,000, ये दोनों को ऐड करके यू विल कैलकुलेट 12.5% ऑफ दिस, सो यू गेट कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, सो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास में 25,125, बैलेंस कर देंगे यू गेट दिस अमाउंट एज बैलेंस सीडी। सो लाइक दिस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करने हैं लिवरेज रेशियोज, राइट, रेशियो एनालिसिस से है, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, डिवेंचर है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं लाइक दैट, एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड आपको लिवरेज रेशियोज बनाने हैं। एंड लिवरेज रेशियोज़ के लिए आपको लिवरेज रेशियोज़ में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन से रेशियोज़ होते हैं, पहला तो ये वाला डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद में टोटल डेट इक्विटी रेशियो, उसके बाद में है प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी लिवरेज रेशियो के अंडर हेड में आता है, देन वी हैव कैपिटल गियरिंग रेशियो, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस वन, so these are the four types of ratios that you are going to prepare under leverage, तो इनके formulas basic की हैं जो मैंने आपको share किए थे अभी, तो debt equity ratio के लिए we use this formula long term debt divided by equity,
नाउ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब हो गया यहाँ पे डिवेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एज यू कैन सी है डिवेंचर्स आर गिवन 45,000, ठीक है। एंड तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। इक्विटी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ लेनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लेना है और रिजर्व्स। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है तो यू विल टेक दैट। तो ये चार आइटम को आपको प्लस करना है, यू गेट इक्विटी और ओनर्स इक्विटी। एंड यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 45,000 डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी 75,000, सो यू गेट 0.6:1। सो दिस इज द डेट इक्विटी रेशियो। टू कैलकुलेट टोटल डेट इक्विटी रेशियो द फॉर्मूला इज टोटल डेट बाई इक्विटी। नाउ टोटल डेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डेट के लिए आपको लेना है डिवेंचर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये तीन आइटम को आपको ऐड करने हैं एंड यू गेट 65,000 हियर। सो एंड यू विल डिवाइड दिस बाई इक्विटी 75,000। इक्विटी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे पिछले रेशियो में कैलकुलेट किया था इक्विटी 75,000। सो ये वही इक्विटी है जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। एंड नाउ वी कैन यूज़ दिस टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी एंड ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो यू गेट द आंसर। ओके आगे चलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो एज द नेम सजेस्ट, आपको फॉर्मूला याद किए बिना इसको करना बहुत मुश्किल है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड के लिए आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं लाइक यू नो फिक्स्ड एंड करेंट बोथ। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लस करंट एसेट्स। तो ये सारे एसेट्स को आपको ऐड करने हैं, यू गेट 1,40,000। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो दैट मीन्स प्रोप्राइटर्स फंड, ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने जो निकाला हुआ है इक्विटी, दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड्स मीन्स इक्विटी, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यू गेट 15:28। इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं 1:1.87 या फिर एग्जाम्स में आप जस्ट यू कैन लीव द आंसर एज 15:28, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू गेट फुल मार्क्स। देन द नेक्स्ट रेशियो इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। द फॉर्मूला इज इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। इक्विटी कैपिटल में आपको ओनली इक्विटी कैपिटल लेनी है, दैट मीन्स प्रेफरेंस को हटा देना है वहां से। तो वी विल टेक ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। सो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 55,000 एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। इसके अंदर आपको लेना है डिवेंचर्स एंड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल जहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो 10% डिवेंचर्स का एंड 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का, तो ये ऐड करना है तो यू गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट। उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है टू गेट कैपिटल गियरिंग रेशियो, राइट। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन काफी अनएक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन में आपको वेरिएंस के ऊपर है एंड ये सब चीजें आपको दिया हुआ है, दैट प्रोडक्ट पी 1000 केजी मैन्युफैक्चरिंग है, दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ए बी सी एंड क्वांटिटी दिया हुआ है आपको, प्राइस दिया हुआ है पर केजी का एंड टोटल कॉस्ट। सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड एक्चुअल रिकॉर्ड्स में प्रोडक्ट ए 1,57,000 केजी एट द रेट ऑफ 240 मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्ट बी वैसे 4 रुपीज़ 20 पैसा एंड प्रोडक्ट सी 36,000 केजी एट 1 रुपी 10 पैसा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी आंसर है इसका। एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस एंड यूजर्स वेरिएंस। ओके अभी अभी मैंने आपको बताया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एज वी नो दैट यहाँ पे क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो नो प्रॉब्लम, 3 अगर प्रोडक्ट है ए बी सी तो तीनों के अलग अलग आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है,
तो यहाँ पे जैसे जितनी भी मटेरियल ए की क्वांटिटी इनटू लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट में मटेरियल ए की क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज़ 50 पैसा। ये जो प्राइस यहाँ पे दिया हुआ आपको, दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस राइट, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारा दिया हुआ है आपको एक्चुअल्स। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन दोनों के डिफरेंस से ही हमें मिलता है वेरिएंस। तो ये सारे वेरिएंस आपको यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो ये सब फेवरेबल मिल रहा है आपको। वैसे ही मटेरियल बी मटेरियल सी, तीनों मटेरियल का फिर आपको टोटल मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट करना है बाय एडिंग ऑल दिस फिगर्स लाइक 400। मटेरियल बी इज ऑल्सो 400 एंड मटेरियल ए 23,200 राइट। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्किप हो गया, आगे चलते हैं। ये रहा ओके मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सेम वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपीज़ 50 पैसा, एक्चुअल प्राइस इज गिवन दिस। सो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यू विल ऐड मल्टीप्लाई विथ एक्चुअल क्वांटिटी। सो लाइक दिस अगेन आपको ये तीनों का जो वेरिएंस है वो ऐड करना है एंड यू विल गेट द फाइनल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस 4,500 फेवरेबल। लाइक दैट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, द फॉर्मूला इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ यहाँ पर भी अगेन कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे लाइक स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल इनटू टोटल एक्चुअल मटेरियल। सो तीनों मटेरियल तीनों प्रोडक्ट का आपको अलग अलग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स फाइंड आउट करनी है। सो देन वी कैन फाइंड द मटेरियल, ये आपको यहाँ पे ये वेरिएंस फिर ए बी सी का मिल सकता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सो अगेन इसको ये तीनों वेरिएंस को ऐड करेंगे एंड वी गेट दिस एडवर्ज ओके। देन मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एज यू नो दैट बहुत लंबा आंसर है इसका। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट प्राइस। So again like standard to calculate standard yield we use this formula, actual uses of material divided by standard uses per unit output. So when you will divide this you get this and standard material per unit, ये आपको पहले calculate करना है because without this you will not be able to calculate material yield variance because यहाँ पे standard output price इसके साथ में आपको multiply करना है actual yield और standard yield, ये दोनों के difference। So, like this you can calculate and material uses variance. Material uses variance is standard quantity for actual output minus actual quantity into standard price. This is the formula and we can easily calculate this. All the information are given, only the thing, the key lies here is the formula. Without formula it's very difficult. Okay, this is question number 4 of June 2022. There are three products given, product X, product Y and product Z, and sales is given, variable cost is given, contribution is given, fixed cost is given and profit is given, and you are required to calculate break even point and break even point if sales mix ratio changes to 30, 50, 20. So straight away we can first of all find out BEP in value. The formula is fixed cost multiplied by sales divided by sales minus variable cost or contribution. So we can easily get this, and change in the sales mix ratio is given in the question 30:50:20. यहाँ से ये तीनों रेशियो को प्लस करने कर लेना है दैट वी गेट 100 एंड देन अगेन तीनों प्रोडक्ट का सेल्स मिक्स रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग राइट। दैट इज 30/100 दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 100 देन अगेन यू विल डिवाइड 50 इनटू 100
एंड अगेन 20 डिवाइडेड बाय 100, सो यू विल गेट ऑल दिस फिगर्स. एंड टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, नाउ ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. तो टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बहुत सिंपल है, वी विल डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट विथ सेल्स, राइट. सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग सेल हैं, जैसे प्रोडक्ट एक्स के 80,000 सेल है, प्रोडक्ट वाई का 1 लाख एंड प्रोडक्ट जेड का 20,000. एंड तीनों के जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे आपको डिवाइड करना है. यू गेट ऑल दिस फ्रैक्शंस 5/8, 3/8, 1/2. नाउ देखते हैं इसका फाइनल सॉल्यूशन. नाउ ये चार्ट आपको बनाना है फाइनल सॉल्यूशन में. एंड जैसे प्रोडक्ट एक्स का है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 60,000, 1 लाख एंड 40,000, टोटल सेल इज 2 लाख, राइट. एंड वेरिएबल कॉस्ट, लाइक यू नो वेरिएबल कॉस्ट इज 5/8 ऑफ दिस. नाउ 5/8 आपको कहाँ से, यू गॉट 5/8 फ्रॉम हियर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 5/8. तो 5/8 को सेल्स से मल्टीप्लाई करना है, सो यू गेट 37,500. लाइक दैट प्रोडक्ट वाई का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 3/5 है, तो 3/5 इंटू 1 लाख यू गेट 60,000. लाइक दैट प्रोडक्ट जेड का. देन कम्स कंट्रीब्यूशन. नाउ कंट्रीब्यूशन के लिए एज वी नो द फॉर्मूला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, इनको अगर माइनस करते हैं वी गेट दिस वन. सो 60,000 माइनस 37,500 यू गेट 22,500. लाइक दैट 1 लाख माइनस 60,000 यू गेट 40,000, 40,000 माइनस 20,000 यू गेट 20,000. सो इट इज सो सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर चेंज इन सेल्स मिक्स. तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं है, सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 ये आपको लिखना है. एंड द सेल्स दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड 2 लाख एंड ओनली द चेंज इज दिस वन वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है दैट इज 1,17,500, ये टोटल को आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है. तो यू गेट दिस फाइनल आंसर. सो लाइक दिस फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज एंड न्यूमेरिकल्स फॉर योर डिसम्बर एग्जाम्स. एंड आई एम श्योर कि ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद में प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन दिस पर्टिकुलर पेपर, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.